Good morning friends. In this video, today we are starting the first section of operation research, that is inventory models. And in this topic, we cover the following topics, that is inventory control, introduction to inventory, what are the factors affecting inventory, inventory models, and economic order quantity model. In two cases, first when shortages are allowed and when shortages are not allowed. And last is price discount models. So, आज हम इस वीडियो में कुछ बेसिक देखेंगे. बेसिक इस इन्वेंट्री मॉडल सेक्शन का क्या है, इन्वेंट्री क्या है, इन्वेंट्री कंट्रोल क्या है और किन फैक्टर्स के ऊपर वो डिपेंड है. ठीक है, तो सबसे पहले आइए देखते हैं. तो सबसे पहले हम देख रहे हैं इन्वेंट्री क्या है. सबसे बेसिक टर्म है जो इस सेक्शन की. इन्वेंट्री रेफर टू अ स्टॉक ऑफ गुड्स, मटेरियल, ह्यूमन रिसोर्सेज और फाइनेंशियल रिसोर्सेज. इन्वेंट्री क्या है? गुड्स का स्टॉक, मटेरियल का स्टॉक. गुड्स कौन से? जो हम उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेल परचेज करते हैं. ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कि लेबर और फाइनेंशियल रिसोर्सेज यानी कि कैश और कैश इन हैंड और कैश इन अदर फॉर्म्स और एनी अदर आइडियल रिसोर्सेज हैविंग सम इकोनॉमिक वैल्यू या और भी कोई रिसोर्सेज जिनकी कुछ ना कुछ इकोनॉमिक वैल्यू है विद स्टॉक टू मीट द डिमांड एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर. तो इन्वेंट्री क्या है? उन सभी चीज़ों का स्टॉक जिनकी कुछ ना कुछ इकोनॉमिक वैल्यू है और जिन्हें हम अपने फ्यूचर डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टॉक करके रखते हैं. देखिए, हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अपनी फ्यूचर डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए कुछ ना कुछ इन्वेंट्री मेंटेन करके रखनी पड़ती है. अब जितनी वो इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं वो उनके स्केल पे डिपेंड करता है. इफ़ द ऑर्गेनाइजेशन इज रनिंग ऑन लार्ज स्केल तो इसलिए उसे स्टॉक भी ज़्यादा मेंटेन करना पड़ेगा और अगर वो स्मॉल स्केल पर चल रही है तो कम इन्वेंट्री से भी उसका काम चल जाएगा. ठीक है, तो ये तो थी इन्वेंट्री की बात. अब हम क्या देखते हैं, इन्वेंट्री मॉडल क्या है. इन्वेंट्री मॉडल आर द मॉडल बेस्ड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द मेन एस्पेक्ट ऑफ इन्वेंट्री वी आर द डिमांड एंड द कॉस्ट एसोसिएटेड विद द इन्वेंट्री इज कॉल्ड इन्वेंट्री मॉडल. देखिए, तो इन्वेंट्री मॉडल्स वो हैं दैट हेल्प्स द बिजनेस इन डिटरमाइनिंग द ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्रीज दैट शुड बी मेंटेन्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस. देखिए, हम इन्वेंट्री मॉडल की हेल्प से क्या कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या हमें इन्फॉर्मेशन मिल सके, यानी कि हम इससे पता लगाएंगे कि हमारे ऑर्डर करने की फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, कितना हमें गुड्स को ऑर्डर करना है, रॉ मटेरियल को कितना स्टोर करना है और हम जो फ्लो ऑफ सप्लाई है उसे ट्रैक करके हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हम किस टाइम पे कितना ऑर्डर करें ताकि हमारी जो सप्लाई है वो कंटिन्यूसली चलती रहे. देखिए, ताकि ऐसा ना हो कि हमारे पास बिल्कुल ही स्टॉक ना बचे अपने कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, इसीलिए हम इन सारी बातों का पहले ही इन्वेंट्री मॉडल्स की हेल्प से पूरा देख लेते हैं कि हमें कितनी क्वांटिटी में किस प्रोडक्ट को ऑर्डर करना है कि उसकी सप्लाई कितने टाइम में आएगी. अगर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है उसकी जो सप्लाई है वो बहुत फास्ट है, यानी कि हम ऑर्डर जैसे ही करते हैं वैसे ही हमें वो चीज़ मिल जाती है, तो उसकी हम अगर ऑर्डर लेट भी कर दें, यानी कि जब हमारे पास उस प्रोडक्ट का स्टॉक कम बचे और उस टाइम पे हम ऑर्डर कर रहे हैं तब भी कोई बात नहीं, लेकिन जिन प्रोडक्ट्स की सप्लाई बहुत लेट आनी है उनकी अगर हम ये चीज़ें ध्यान ना रखें, अपने सर्विसेज को सही टाइम पे कस्टमर्स को सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे. अब देखिए, थर्ड टर्म है इन्वेंट्री कंट्रोल. द टेक्निक ऑफ मेंटेनिंग द साइज ऑफ इन्वेंट्री एट डिजायर्ड लेवल कीपिंग इन व्यू द बेस्ट इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज इन्वेंट्री कंट्रोल. देखिए, इन्वेंट्री कंट्रोल के अंदर कुछ मेजर्स और कुछ टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं सो डैट हम ऑर्गेनाइजेशन की इन्वेंट्री को मेंटेन कर पाएं. इन्वेंट्री मॉडल की हेल्प से हमें सिर्फ पता चलता है कि कितनी डिमांड, कितनी कॉस्ट है किसी भी प्रोडक्ट की, किस टाइम पे वो सप्लाई होएगी, शॉर्टेज मार्केट के अंदर है या नहीं है. और इन्वेंट्री कंट्रोल के अंदर हम कुछ स्टेप्स ले सकते हैं, कुछ मेजर्स ले सकते हैं और कुछ टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हैं सो डैट
जो साइज ऑफ इन्वेंट्री है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो मेंटेन्ड रहे, सो डैट जो कस्टमर्स हैं उन्हें सर्विसेज मिलती रहे और उसके अंदर कोई भी रुकावट ना आए। अब देखिए, ये हमने तीन टर्म्स देखी जो बहुत ही बेसिक से थी, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मॉडल एंड इन्वेंट्री कंट्रोल। अब देखिए, इन्वेंट्री को जब भी हम लेते हैं तो इन्वेंट्री से रिलेटेड कुछ कॉस्ट आएंगी हमारे पास, अब हमने उन्हें स्टडी करना है। देखिए, जब हम इन्वेंट्री रिलेटेड कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो सबसे पहली कॉस्ट जो हमें स्टडी करनी है वो है सेटअप कॉस्ट। सेटअप कॉस्ट के अंदर वो कॉस्ट आएंगी जो मशीनरी को सेटअप करने से रिलेटेड है, यानी कि प्रोडक्शन को शुरू करने से पहले जितनी भी कॉस्ट हम लगाते हैं उसे बोलते हैं सेटअप कॉस्ट, ठीक है। और सेटअप कॉस्ट इन जनरल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं होती, यानी कि हम कितनी क्वांटिटी ऑर्डर कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड नहीं होगी, या कितनी क्वांटिटी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं होगी, क्योंकि मशीन तो देखिए हमें लेनी ही है, चाहे हमें क्वांटिटीज कम प्रोड्यूस करनी हो या ज़्यादा। तो इतना कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है मशीनरी का और प्रोडक्शन का, ठीक है। देखिए, सेटअप कॉस्ट के डेफिनेशन है, दिस इज़ द कॉस्ट एसोसिएटेड विद द सेटिंग अप ऑफ मशीनरी बिफोर स्टार्टिंग प्रोडक्शन। द सेटअप कॉस्ट इज जनरली अज्यूम्ड टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ द क्वांटिटी ऑर्डर्ड फॉर, ठीक है। इसके एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे चुकी हूँ। अब हम नेक्स्ट कॉस्ट पे आएंगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है? किसी भी प्रोडक्ट को ऑर्डर करते हुए हमें जितनी कॉस्ट लगानी पड़ती है उसे हम बोलते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे हम किसी भी चीज़ को ऑर्डर करते हैं तो कुछ ना कुछ चार्जेस, देखिए टेलीफोन कॉल्स का आएगा, अगर हम बाय पोस्ट कुछ मंगवा रहे हैं तो पोस्टेज कॉस्ट आएगी, बाय ट्रांसपोर्टेशन कोई चीज़ आएगी तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग जाएगी। और कई बार क्या होता है, गुड्स हम आने से पहले उसकी इंस्पेक्शन करते हैं तो इंस्पेक्शन चार्जेस भी लग जाएंगे, ठीक है। और कई बार बहुत ज़्यादा पेपर वर्क भी हम करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को मंगवाने में। मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन लार्ज है, ठीक है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट की है, उस केस के अंदर हमें पेपर वर्क की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है तो उस केस में पेपर वर्क चार्जेस भी आएंगे, ठीक है। तो कई बार ऑर्डरिंग कॉस्ट के चार्जेस छोटे छोटे आते हैं और कई बार ये चार्जेस ज़्यादा भी हो जाते हैं। मान लीजिए जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बहुत दूर से हमने कोई चीज़ मंगवाई है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑब्वियसली ज़्यादा ही आएगी, ठीक है। तो एक बार हम इसके डेफिनेशन देखते हैं। देखिए, ऑर्डरिंग कॉस्ट के डेफिनेशन है, दिस इज द कॉस्ट इनकर्ड ईच टाइम एन ऑर्डर इज प्लेस्ड। अनलाइक सेटअप कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट हम एक ही बार करते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट ऐसी है जो हमें हर बार जितनी बार हम ऑर्डर प्लेस करते जाएंगे उतनी बार हमें वो पे करनी पड़ती है। दिस कॉस्ट इंक्लूड द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, यानी कि इस कॉस्ट के अंदर हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट लाइक पेपर वर्क, टेलीफोन चार्जेज एंड पोस्टेज, ट्रांसपोर्टेशन, रिसीविंग एंड इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स एक्सेट्रा, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। अब नेक्स्ट कॉस्ट जो इन्वेंट्री से रिलेटेड है वो है परचेज कॉस्ट। देखिए, परचेज कॉस्ट क्या है? अब देखिए, परचेज कॉस्ट क्या है? इट इज़ द एक्चुअल प्राइस एट विच एन आइटम इज परचेज, यानी कि उस प्रोडक्ट की एक्चुअल जो हमारे पास कॉस्ट है उसे हम बोलते हैं परचेज कॉस्ट। अब देखिए, परचेज कॉस्ट हमारे पास दो टाइप की होगी, या तो कॉन्स्टेंट या फिर वेरिएबल। देखिए, अगर तो ये चीज़ क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती कि उस प्रोडक्ट का प्राइस क्या होएगा, जैसे कि मान लीजिए आप 1 पेन लें वो भी 5 का है, और अगर आप 100 पेन लें तो वो भी 5 रुपी ईच पेन ही आए, तो उस केस में परचेज कॉस्ट कॉन्स्टेंट रही। लेकिन अगर शॉपकीपर यूँ बोल रहे हैं कि जैसे जैसे आप क्वांटिटी को इंक्रीज करते जाएंगे उसी के अकॉर्डिंग मैं अपने प्राइस को कुछ ना कुछ लेवल से डिक्रीज कर दूंगा, तो उस केस में हम बोलते हैं डेट द परचेज कॉस्ट इज़ वेरिएबल। देखिए, इसमें लिख भी रखा है, इट बिकम्स वेरिएबल व्हेन क्वांटिटी डिस्काउंट आर अलाउड फॉर परचेज अबव अ सर्टेन क्वांटिटी। जब एक सर्टेन क्वांटिटी के बाद हमारे पास प्राइस डिस्काउंट शॉपकीपर अलाउ कर देता है तो उस केस में हम बोलते हैं परचेज कॉस्ट इज वेरिएबल। अब देखिए, इसी में नेक्स्ट कॉस्ट है कैरिंग और होल्डिंग कॉस्ट। किसी भी प्रोडक्ट को
स्टॉक करने के लिए जो हमारे पास कॉस्ट लगती है, यानी कि उसको हम स्टोर हाउस के अंदर या जहाँ पर भी गोदाम्स के अंदर स्टोर करते हैं तो होल्डिंग कॉस्ट लगती है, ठीक है, तो उस कॉस्ट को बोलते हैं कैरिंग कॉस्ट। एक बार इसकी डेफिनेशन देखते हैं। देखिए कैरिंग कॉस्ट की डेफिनेशन है, द कॉस्ट इंक्लूड्स द फॉलोइंग कॉस्ट फॉर मेंटेनिंग द इन्वेंट्री, डेट इज रेंट फॉर द स्पेस जहाँ पर हम अपने प्रोडक्ट को यानी कि अपने इन्वेंट्री को स्टॉक करके रख रहे हैं, उस गोदाम का, उस जगह का हम कुछ ना कुछ रेंट भी देंगे, डेट इज इंक्लूडेड इन होल्डिंग कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट और एनी अदर स्पेशल अरेंजमेंट फॉर स्टोरेज जो हमारे पास उस प्रोडक्ट को या उस इन्वेंट्री को स्टोर करने के लिए कुछ ना कुछ इक्विपमेंट की कॉस्ट भी आएगी, या अगर हम उसके लिए कोई स्पेशल अरेंजमेंट्स कर रहे हैं तो उनकी कॉस्ट। इंटरेस्ट ऑफ द मनी ब्लॉक, देखिए जब हम इन्वेंट्री को स्टॉक कर रहे हैं तो उस इन्वेंट्री के लिए जो भी हमने बैंक से लोन लिया था या जहाँ से भी लोन लिया था उसका जो इंटरेस्ट है, डेट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन होल्डिंग कॉस्ट। द एक्सपेंसिस ऑन स्टेशनरी, स्टेशनरी चार्ज इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन होल्डिंग कॉस्ट। वेजेस ऑफ द स्टाफ रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस, जितना भी हम उन स्टोर हाउसेस को मेंटेन करने के लिए जितना भी हम स्टाफ लगाएंगे उन स्टाफ की वेजेस ऑल्सो इंक्लूडेड इन कैरिंग कॉस्ट। इंश्योरेंस एंड डेप्रिसिएशन, उन पर रखने के साथ साथ जैसे हम इन्वेंट्री को स्टॉक करें, अगर उनकी वैल्यू में थोड़ा बहुत भी डिक्रीज आया है, डेप्रिशिएट हुई है उनकी वैल्यू, तो वो कॉस्ट भी होल्डिंग कॉस्ट में जाएगी। इसके बाद आएगी ऑब्सोलेसेंस कॉस्ट, उसके अंदर क्या है, देखिए कई बार क्या है हमारे पास जो इन्वेंट्री है वो इस टाइप की है कि उसमें डे टू डे अपडेट्स आते रहते हैं, तो उस केस के अंदर द प्रोडक्ट विल बिकम ऑब्सोलीट आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, तो इसलिए ऑब्सोलेसेंस कॉस्ट भी आएगी। लेकिन ये वाली कॉस्ट डिपेंड करते हैं कि हमारे पास इन्वेंट्री किस टाइप की है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास शॉर्टेज कॉस्ट, और शॉर्टेज कॉस्ट इन्वेंट्री से रिलेटेड कॉस्ट में लास्ट टाइप की कॉस्ट है। देखिए शॉर्टेज कॉस्ट की डेफिनेशन क्या है, शॉर्टेज कॉस्ट इज द पेनल्टी कॉस्ट फॉर रनिंग आउट ऑफ स्टॉक व्हेन एन आइटम कैन नॉट बी सप्लाइड ऑन द कस्टमर्स डिमांड। दीज कॉस्ट इंक्लूड द लॉस ऑफ पोटेंशियल प्रॉफिट थ्रू सेल्स ऑफ आइटम डिमांडेड एंड लॉस ऑफ गुडविल इन टर्म्स ऑफ द परमानेंट लॉस ऑफ द कस्टमर। देखिए कस्टमर हमारे शॉप पे आया एंड ड्यू टू शॉर्टेज हमारे पास वो प्रोडक्ट नहीं अवेलेबल था जो उसने डिमांड की, तो देखिए दो केसेस हैं। कई बार इसका लॉस क्या रहता है कि अगर एक या दो बार यही चीज़ रिपीट हुई, वो हमारी शॉप पे आया और हमारे पास वो प्रोडक्ट नहीं था, तो नेक्स्ट टाइम वो इस शॉप पर ना जाकर उस शॉप पर जाएगा जहाँ पर ऑलरेडी सारा सामान अवेलेबल है। तो शॉर्टेज कॉस्ट वो कॉस्ट है जो हमारे प्रॉफिट्स में रिडक्शन लाती है, क्योंकि हमारे पास ड्यू टू शॉर्टेज कई बार परमानेंट लॉस ऑफ द कस्टमर भी होने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो ये थी पांच टाइप ऑफ इन्वेंट्री रिलेटेड कॉस्ट। देखिए अब नेक्स्ट डेफिनेशन है डिमांड। डिमांड इज द नंबर ऑफ यूनिट रिक्वायर्ड पर पीरियड एंड मे आइदर बी नॉन एग्जैक्टली और नॉन इन टर्म ऑफ प्रोबेबिलिटीज। देखिए डिमांड क्या है, कितनी हमें नंबर ऑफ यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक पर्टिकुलर पीरियड में, फॉर एग्जांपल इन वन मंथ और इन वन ईयर। देखिए अगर तो हमारे पास डिमांड जितनी रिक्वायर्ड है वो एग्जैक्ट फिगर्स हैं उसके, तो हम बोलते हैं डिटर्मिनिस्टिक डिमांड, और अगर डिमांड हमें प्रोबेबिलिस्टिक टर्म्स के अंदर पता है तो हम उसे बोलते हैं प्रोबेबिलिस्टिक डिमांड। देखिए प्रॉब्लम्स इन विच डिमांड इज नोन एंड फिक्स्ड आर कॉल्ड डिटर्मिनिस्टिक प्रॉब्लम्स, वेयर एज द प्रॉब्लम इन विच डिमांड इज नोन इन टर्म ऑफ प्रोबेबिलिटीज इज नोन एज प्रोबेबिलिस्टिक प्रॉब्लम। डिमांड के दो टाइप्स हैं, डिटर्मिनिस्टिक एंड प्रोबेबिलिस्टिक। इफ़ द डिमांड इज नोन एंड फिक्स्ड, यानी कि अगर पूरे अच्छे से हमें एग्जैक्ट फिगर्स डिमांड के पता हैं तो डिटर्मिनिस्टिक, अदरवाइज अगर प्रोबेबिलिस्टिक टर्म्स के अंदर हमें पता है तो प्रोबेबिलिस्टिक। ठीक है, डिमांड के अंदर आज के टॉपिक में हम एक लास्ट टॉपिक और करते हैं, सेलिंग प्राइस का टॉपिक। अब देखिए सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस मतलब जिस प्राइस के ऊपर हम पर यूनिट को बेच रहे हैं, द अमाउंट विच वन गेट्स ऑन सेलिंग एन आइटम इज कॉल्ड इट्स सेलिंग प्राइस। एक यूनिट को बेचकर जितना भी हमें प्राइस मिल रहा है डेट इज सेलिंग प्राइस। अब देखिए सेलिंग प्राइस जस्ट लाइक परचेज कॉस्ट इज कॉन्स्टेंट और वेरिएबल। इफ
ऑन इंक्रीजिंग द यूनिट्स द प्राइस डिड नॉट चेंज देन द प्राइस इज फिक्स्ड, यानी कि कॉन्स्टेंट। और अगर जैसे जैसे हम यूनिट्स को इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे प्राइस के अंदर डिक्रीज होता जा रहा है, उस केस के अंदर सेलिंग प्राइस कॉन्स्टेंट ना रहकर वेरिएबल हो जाएगा। यानी कि जब हमारे पास सेलिंग प्राइस क्वांटिटी पर डिपेंड करे उस केस में सेलिंग प्राइस वेरिएबल, डैट इज़ जब क्वांटिटी पे डिस्काउंट अलाउ किए जाएं तब वेरिएबल, और अगर क्वांटिटीज़ कितने भी हम परचेज कर रहे हैं और प्राइस हमारा फिक्स है तो उस केस के अंदर कॉन्स्टेंट प्राइस। ठीक है, अब आज का टॉपिक में हम यहीं तक करते हैं, इसके बाद हमें कल के टॉपिक के अंदर करना है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, यूज़ ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल और रिमेनिंग जो रिलेटेड डेफिनेशंस बच गई हैं वो। ठीक है, अगर आपको आज के वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे।